हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, कल जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा कि जब एनडीए की सरकार आएगी तब वैक्सीन जो है कोरोना की वो फ्री बांटी जाएगी, उसको लेकर विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा क्या देश के अंदर बाकी जो लोग हैं उनको फ्री नहीं मिलेगी, फिर क्या ये चुनावी वादा है वोट लेने के लिए? आप मुझे बताइए, कोई भी जिम्मेवार सरकार और जिम्मेवार पार्टी को स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोरोना है तो अगर हमारी पार्टी ये कहती है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, तो हम बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देंगे जब भी वो उपलब्ध हो जाए, इसमें क्या परेशानी है? हमारा रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं। परेशानी उनको है जो जुमले करते हैं, आश्वासन देते हैं, क्या क्या करेंगे आप देख रहे हैं, उन्होंने आज तक नहीं दिया, लोग आज तक शिकायत करते हैं। लेकिन मैं तो इसे बहुत ही क्रांतिकारी कदम मानता हूं कि स्वास्थ्य की सेवा, हेल्थ केयर, किसी भी जिम्मेवार सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज हमने कहा जब भी कोविड की वैक्सीन आएगी हम फ्री उपलब्ध कराएंगे, सरकार उसकी चिंता करेगी, बिहार सरकार जो बनेगी, तो इसमें क्या परेशानी है भाई? लेकिन विपक्ष ये कह रहा है फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल में, वहां क्यों नहीं आप गोवा में क्यों नहीं मिले वहां की गरीब जनता को? वहां की सरकार तय करेगी, कई सरकारें तय कर रही है, ये बिहार का चुनाव है ना। तो हमारा खाली कहना है, वैसे भी कई बार कहा जा चुका है प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे भी कि जब भी वैक्सीन मिलेगी हम लोग कोशिश करेंगे वो उपलब्ध हो। हमने कहा कि हम बिहार के लोगों को फ्री देंगे, तो ये तो बहुत ही, मैं फिर कहूंगा, क्रांतिकारी कदम है, बाकी करें मुझे खुशी होगी। विपक्ष ये कह रहा है कि आप बीमारी पर और मौत पर राजनीति कर रहे हैं और वोट लेना चाहते हैं डर दिखाकर। देखिए ऐसा है कि अब उनको ये हारे हुए लोगों की हताशा है। मैं फिर कहूंगा, हम क्यों, मैनिफेस्टो का पार्ट है ना या विजन डॉक्यूमेंट है ना, हम देश को या बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं इसको बताने में क्या दिक्कत है भाई? कोई नौकरी की बात कर रहा है जो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, क्षमता ही नहीं है। अगर के कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि और छोड़िए, देखिए अंतर देख लीजिए आप, महागठबंधन का विजन डॉक्यूमेंट है कि हम शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, समझ गए आप, और हमारा विजन डॉक्यूमेंट है कि हम कोरोना के बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे, बिहार सरकार व्यवस्था करेगी। ये सोच का सवाल है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी की समीक्षा करके उसको दोबारा से शराब को बिहार के अंदर बिक्री के लिए खोल देंगे? मैं सिर्फ बता रहा हूं जो उन्होंने कहा है, ये सोच है। हा? हमने तो कभी नहीं, सेवाएं देने का और एक आपका कहना है कि यही तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपकी सोच क्या है? क्या उन्होंने घोषणा नहीं किया कि हम समीक्षा करेंगे? करने दीजिए, उनकी बात है। उनकी प्राथमिकता में शराबबंदी की समीक्षा करने करके खोलने की कोशिश होगी, हमारी प्रतिबद्धता में बिहार के हर लोगों को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन जैसे ही निकलेगा उसकी व्यवस्था करने की होगी।